राजस्थान में कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेता भी प्रदेश में आएंगे। भाजपा के नेता जनाक्रोश सभाओं के माध्यम से जनसभाओं को संबोधित कर प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता को गिनाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला व वीके सिंह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पाली में शुक्रवार को जन आक्रोश सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री 2 जनवरी को केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जोधपुर कलेक्ट्रेट के सामने और 3 जनवरी को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के बुरे हाल है। गांव से लेकर शहर तक और घर से भी आमजन व बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं। 4 वर्षों में 8,81,061 से ज्यादा मुकदमों में महिलाएं, आदिवासियों और दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा द्वारा जन आक्रोश सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।